भाई न्यूजीलैंड का दौरा हो गया है समाप्त और वनडे में मिले ऋषभ पंत को मौके पर्याप्त, मगर क्या पंत साहब ने भुनाया उन मौकों को? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक, देख रहे हैं आप क्रिको और क्रिको पर आज बात होने वाली ऋषभ पंत की, जो जब टीम में पहली बार आए तो उन्हें धोनी का उत्तराधिकारी माना गया, मगर टेस्ट क्रिकेट के अलावा बाकी दो फॉर्मेट्स में अब तक ऋषभ पंत अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं, जिसके बाद कई पूर्व खिलाड़ियों ने जमकर उन्हें लताड़ लगाई है। तो किसने पंत को टीम से बाहर करने की मांग की है, इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक साल में ऋषभ पंत ने क्रिकेट के मैदान पर क्या क्या किया, चलिए वो आपको बताते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा और हमारे क्रिको चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर खेल के प्रारूप यानी कि फॉर्मेट के हिसाब से बात करें तो अब तक ऋषभ पंत टेस्ट और वनडे के अपने अच्छे फॉर्म को T20 में जारी नहीं रख पाए और लगातार T20 में 6 टाइप की बल्लेबाजी करके उन्होंने वनडे में भी अपने फॉर्म को गुड बाय बोल दिया है। पिछले 2 सालों में टेस्ट फॉर्मेट में ऋषभ पंत टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े मैच विनर रहे। वनडे में भी पंत ने कुछ बेहतरीन पारियां खेली, जैसे कि इस साल इंग्लैंड के दौरे पर उन्होंने एक हारा हुआ वनडे मैच भारत की झोली में डाला था। दुनिया भर के दिग्गज माहौल बनाने में लग गए कि पंत के पंच से अब बाकी टीमों को सावधान रहना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने तो 2022 टी20 वर्ल्ड कप से पहले पंत को टूर्नामेंट का सबसे खतरनाक खिलाड़ी भी डिक्लेयर कर दिया, मगर हुआ क्या? कमाल की बात यह कि टीम इंडिया ने पंत के खराब फॉर्म के बावजूद न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें टी20 सीरीज में रखा और बढ़िया से खिलाया भी। इस मौके को भी पूरी तरह से गंवाते हुए पंत ने पहली पारी में 13 में 6, आखिरी मैच में सिर्फ 11 रन का योगदान दिया। ये तो भला सूर्य भाव और हमारे युवा गेंदबाजों का कि हम सीरीज जीतने में कामयाब हुए, वरना यह सीरीज भी गई थी अपने हाथ से। T20 के बाद शुरू हुए वनडे सीरीज के पहले मैच में भी पंत का बल्ला बिल्कुल भी मूड में नहीं दिखा। 23 गेंदों पे सिर्फ 15 बनाए, तीसरे में पंत ने सिर्फ 10। जिस कदर पंत खराब शॉट खेलकर आउट हो रहे हैं, उसे साफ पता है कि उन्हें वापस डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ रुख करना चाहिए क्या, ताकि उनका फॉर्म लौट सके और भारत का ये बड़ा मैच विनर फिर से चौकों छक्कों की बरसात कर सके। पंत के खराब फॉर्म पर पूर्व कप्तान श्रीकांत ने कहा है कि ऋषभ पंत को जितने मौके मिले उन्होंने फायदा नहीं उठाया। मैं बहुत निराश हूं, वर्ल्ड कप पास है, बहुत से लोग कह रहे हैं पंत रन नहीं बना पा रहे, जो कि आग में घी डालने का काम कर रहा है। वेल, गाबाटेस का हीरो और मैनचेस्टर का मैन ऑफ द मैच ऋषभ पंत अब अपनी लय खोता दिख रहा है। हर वो भारतीय क्रिकेट का फैन जो ऋषभ पंत को टीम में धोनी का दर्जा देने को व्याकुल था, मगर अब वो भी समझ चुका है कि पंत और धोनी के बीच उतना ही गैप है जितना कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच। भारत के पूर्व खिलाड़ी रतिंदर सिंह सोडी ने तो पंत को टीम से बाहर कर संजू को और मौके देने की बात की। सोडी की ये बात संजू फैंस को खूब पसंद आई होगी। ऐसे में टीम इंडिया के आकाओं को पंत के फॉर्म पर गंभीरता से चर्चा करने का टाइम आ गया है और अब क्या समय आ गया है कि कम से कम वनडे क्रिकेट में संजू को उतने मौके तो मिलें जितने पंत को ऑलरेडी मिल चुके हैं। आपकी क्या राय है संजू वर्सेस पंत के मुद्दे पर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन एक टैलेंटेड क्रिकेटर है, उसको सपोर्ट भी जरूर करिएगा। हाँ, थोड़ा टाइम टफ चल रहा है, लेकिन किसका नहीं चलता। और हाँ, वक्त के बारे में सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात एक ही है कि वो एक जैसा नहीं रहता, इसलिए खराब है तो वो खराब वक्त भी जाएगा और अच्छा है तो वो भी जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छा वक्त पंत का जल्दी वापस आएगा। उनके लिए ऑल द बेस्ट लिख सकते हैं। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है उनके बारे में या किसी भी चीज के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर लिखिएगा। अपना नाम लिखना मत भूलिएगा और वीडियो कहां से देख रहे हैं वो भी जरूर लिखिएगा। जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं क्रिको पर। टेक केयर, जय हिंद।